हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको दुकान या आपके नए व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ वास्तु के टिप्स बताने जा रहा हूँ। पूरी मेहनत लगन से काम शुरू किया, नई दुकान या ऑफिस खोला, लेकिन ग्राहक आने का नाम नहीं ले रहे। कोई भूले भटके आ जाए तो खरीदारी के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ कुल मिलाकर काम धंधा चौपट हो रखा है और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान ही आखिरी सहारा दिखाई देते हैं। भगवान से प्रार्थना का जितना असर होता है, उतना ही असर होता है भवन, ऑफिस या दुकान से वास्तु दोष को दूर करने का। वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि वास्तु के किन किन नियमों का पालन करने से दुकान अथवा ऑफिस से दरिद्रता और नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपका जो आपकी दुकान है या आपका ऑफिस या व्यवसाय है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करनी शुरू कर देगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है कि दुकान या ऑफिस के सामने कचरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कचरा आपके दुकान या ऑफिस की लंबाई से दुगने अंतर पर दूर पड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कचरा पास पड़ा है, आपकी दुकान या ऑफिस के नजदीक पड़ा है, तो वह आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट अवश्य पड़ेगा। इसके बाद बात आती है दुकान का मुख। दुकान पूर्वाभिमुख हो तो लाभदायक परिणाम मिलते हैं, पश्चिमाभिमुख हो तो व्यवसाय में तेजी और मंदी आती रहती है, और उत्तराभिमुख हो तो धन धान्य की वृद्धि होती है, परंतु दक्षिणाभिमुख इच्छनीय नहीं माना गया, यानी उपयुक्त नहीं माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। दुकान का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व अथवा अग्नि कोण के मुख का रखें। कैश बॉक्स को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। शोरूम के शोकेस अथवा प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की दीवार की तरफ रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान या स्विच बोर्ड आदि अग्नि कोण में रखें और दुकान का ईशान कोण खाली रखें, वहां भारी वस्तुएं ना रखें। जन्म कुंडली में अगर राहु शुक्र बलवान हो तो दक्षिणाभिमुख दुकान भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। दुकान के मालिक को हमेशा पूर्वाभिमुख होकर ही बैठना चाहिए। मालिक काउंटर पर बैठते हो तो खुद की दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड उत्तर दिशा में कैश बॉक्स खोले, इस तरह कैश बॉक्स की व्यवस्था करें। दुकान या ऑफिस त्रिकोणाकार या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह पर व्यापार करने से अशांति बनी रहती है। दुकान के दरवाजे के नीचे कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, आने वाले ग्राहकों को ठोकर लगे ऐसा कोई भी अवरोध ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो व्यवसाय है वह ठप होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ वास्तु की चीजें थी, वास्तु के उपाय थे। अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी दुकान, आपका व्यवसाय दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करनी शुरू कर देगा। तो आगे ध्यान दें इन सब चीज़ों को और अपने व्यवसाय में तरक्की लाएं। साथ ही मेरा ये वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके और दोस्त और मित्र इस वीडियो को सुनकर फायदा ले सके। धन्यवाद।